नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ऐसे सच के बारे में बताना चाहते हैं जहाँ 95% बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग ये सब ऐसे नशे में फंसे हैं जो जानते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। आज ऐसा हो गया कि 90% लोगों को पता ही नहीं क्योंकि घर में क्या चल रहा है। आज एक घर में रहते हैं मगर एक दूसरे से अनजान है, रिश्ते से दूर दूर होते जा रहे हैं। आज ऐसा हो गया कि घर घर नहीं रहा, एक होटल जैसा हो गया जहाँ हम खाना खाने के लिए और सोने के लिए जाते हैं। आज बेटे के पास माँ बाप से आमने सामने बातें करने समय नहीं लेकिन पूरे दिन ऑनलाइन रहकर बातें करने बहुत समय है। बेटा अपने पिता से सामने बैठे हैं लेकिन पूछने समय नहीं, पिताजी क्या आपने खाना खाया। लेकिन कोसों दूर बैठे एक अनजान ऋषि से पूछने में व्यस्त है कि कैसे हो, खाना खाया, क्या क्या खाया, कब खाया। और बेटी के पास समय नहीं कि माँ की थोड़ी मदद करे वो घंट, लेकिन घंटों घंटों तक वो मजाक करती रहती है। दिन भर में जब समय मिले तो सेल्फी निकालती है, बाद में एक टिकटॉक बनाती है और किसी अजनबी को खुश करने में वो तुली रहती है। और माँ इंतज़ार में रहती है कब मेरी बेटी को थोड़ा सा समय मिलेगा ताकि वो थोड़ा सा वो हमारे लिए थोड़ी खुश कर सके। सारे रिश्ते नाते आज खत्म होते जा रहे हैं। आज ऐसे लग हो गया है जैसे हर कोई एक दूसरे का सिर्फ इस्तेमाल करने लगा है। कब जब काम हो बस तभी हम एक दूसरे से बातें करते हैं। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, आज ऐसा हो गया है कि हमें ये भी नहीं पता कि हमारे देश में क्या चल रहा है। हम ये भी नहीं जानते कि हमें क्या हो रहा है और क्या नहीं, लेकिन हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं। हम पूरे समय इंटरनेट भी करवा लेते हैं, सिर्फ टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम में ही बिजी रहते हैं। अगर हमें कोई भी युवक ये नहीं पूछता कोई भी नेता से कि क्या चल रहा है देश में या देश को कैसे चला रहे हैं, मगर सरकार ने यह पूरी कोशिश कर चुकी है कि पूरे बच्चों का भविष्य खराब हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसे नशे में हम सब खराब भी हो चुके हैं, बर्बाद भी होते जा रहे हैं बच्चे दिन ब दिन। और इतना ही नहीं दोस्तों, धूम्रपान यानी दारू की नशा, अल्कोहल यानी दारू की नशा, अल्कोहल यानी दारू की नशा, तो किसी को धूम्रपान यानी सिगरेट और टोबैको की नशा, और किसी को व्यभिचार यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की नशा। इसमें से अगर कोई बच भी गया तो इंटरनेट की नशा। चलो आओ दोस्तों, इस नाटक के द्वारा हम देखते हैं। मैं रिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे इस नाटक जिसका शीर्षक है इंटरनेट एडिक्शन में 5 कलाकार है। 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इंटरनेट, जिसके जितने फायदे गिनवाए जाए उतने कम है। पर विज्ञान की हर दिन की एक पहलू ये भी है कि वो दिन वरदान साबित होती है या अभिशाप। समझदार लोगों के लिए इंटरनेट बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के लिए वो अभिशाप भी साबित होता है। आइए देखें कैसे। क्या करूँ, तेरे पास कोई बुक है जिसमें मैं कॉपी कर लूँ। अरे नेहान, कौन से जमाने में जी रहा है तो इंटरनेट पर चलता हुआ हर मास की दवा है, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डाल। असली में थोड़ा बिजी हूँ, मुझे फेसबुक पे एक कमेंट का रिप्लाई करना है तो थोड़े देर में बात मिली। काम हो गया, फटाफट लिख डाली, टाइम भी बचा, तो स्कूल में मैडम भी कुछ, पर टाइम तो बच गया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। ग्राउंड पे गया था खेलने, कोई मिला ही नहीं। पता नहीं आजकल कोई ग्राउंड पे क्यों नहीं आता। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पे तो आता नहीं, जब सब है और हारा में ढूंढता रहता है। हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है और तेरे पास बोर होने के लिए टाइम बच जाता है। अच्छा मैं तुझे सब सिखा देता हूँ। देखा आपने काम की चीज कैसे झट से हो गई और बाकी बचा वक्त बच्चे न सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं बल्कि अपनी हेल्थ का सर्वनाश कर रहे हैं। विज्ञान से निर्माण भी होता है और विनाश भी। अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। However, let us go with another house. बात कर रहे हैं। क्या
आपने जो फेसबुक पे सेल्फी डाली थी बहुत बढ़िया थी। हमें था जब उससे बात की तो फेसबुक पे जो सेल्फी डाली थी बहुत बढ़िया थी। एक लाइक तक किया नहीं, कमेंट क्या खास नहीं थी। ना इतना बड़ा मुंह पार्सल बोल सकते हो, पर फेसबुक पे तो लाइक नहीं लिख सकते हो। अच्छा अच्छा दीदी, आप नाराज मत होइए, मैं जाके अब भी लाइक कर दूंगा और कमेंट भी लिख दूंगा। रॉकेट के जमाने के है तो दिमाग भी रॉकेट के जैसे ही चलेगा। देखिए भाई साहब, विज्ञान ने हमें माचिस की तीली बनाना सिखाई है, अब उसका इस्तेमाल हम खाना बनाने में करें या दुनिया फूटने में, वो तो हमें अपने विवेक से ही तय करना होगा। अच्छा आपसे बातें बहुत हो गई, सोचती हूँ थोड़ा घूमाओ। अरे हाँ, आज न्यूज में आया था कि इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज 4 घंटे तक किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का इंटरनेट नहीं चलेगा। ये बहुत बढ़िया बात है क्योंकि आज सभी लोग ग्राउंड में मिलेंगे। मैं तो जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। कैसा चल रहा है अभी? भाई बस ठीक हूँ। और रिया, तुम किस सोच पर डूबी हुई हो? मैं क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ मिलेगा। गूगल पे देख, गूगल गूगल पे हर मर्ज की दवा मिलती है। क्या मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा तुम्हारा गूगल? ढूंढ क्या रहे हो दीदी, बता बताओ क्या ढूंढ रही हो तुम? सुकून शांति मिल पाएगा तुम्हारे गूगल पर? जिंदगी सच में जीने के लिए है और तुमने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपना वर्चुअल वर्ल्ड बना रखा है। सामने से कोई तुम्हारी तारीफ करे तो बेकार है, और फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर कमेंट्स पाने के लिए सदा एक्साइटेड रहते हो। अपने इस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आकर देखो और इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी चीज़ें शेयर करने तक ही सीमित रखोगे तो बहुत अच्छा होगा, वरना एक दिन आप लोग किसी काम के नहीं रहोगे और फिर एक दिन दूसरों की तरफ सिर दर्द और गर्दन दर्द की गोली खाते ही होंगे। अरे अनगाँव ने जब से मुझे ये सब सिखाया है तब से मैं 1 सेकंड भी कुछ काम नहीं किया, तब से मेरी आंखों में भी दर्द है और कुछ चक्कर सा भी लगता है। मेरा भी सिर बहुत भारी भारी सा लगता है, अब समझ में आया रीजन? मेरा भी कभी कभी आँख दुखता है, शायद इसलिए मुझे चश्मा लगने वाला है। अब से मैं भी फोन में नहीं ग्राउंड में खेला करूँगी। पृथ्वी की चारों